Of Yaar Yaar the movie, and yes, it's only here at Planet M where we're going to do it, and you're going to enjoy it here as well. For us today, I don't think I can really walk through the journey because it was a very, very tough journey for me, a journey which took me almost 4 years to get this film and to you all, and I'm really thankful that today everybody appreciated the film and it's become such a big hit. And especially because January is a very jinxed month, you know, in the last 14 years, no film in Jan has done, has made it to the hit category, and we made it in spite of the cold wave in the north, and youth has really liked it, and I think my cast is famous on its own now, and they don't need any introduction from me, and they would rather speak about themselves on their own. Good evening everyone, it feels so good, 10th of January, aaj shayad 12th hai. 11th एक महीना हो गया पूरा हमारी मूवी रिलीज हुई थी अभी एक महीना पहले एंड इट्स सो गुड इट फील्स सो गुड फ्रॉम इनसाइड कि अभी हमारी मूवी हिट हुई और आज फाइनली डीवीडीज भी बाहर आ रही है आई थिंक माय पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट कि कब डीवीडीज बाहर आएंगे और हम कब सबसे ज्यादा डीवीडीज खरीद सकते हैं सो आई थिंक इट्स एन ऑसम मोमेंट फ्रॉम इनसाइड आई रियली फील हैप्पी एंड आई एम सो ब्लेस्ड ये कहना चाहूंगा कि बचपन से प्लेनेट एम पे जब भी डीवीडीज वगैरह रिलीज होती थी तो मैं यहाँ पे बैठ के देखता था जाके कि कैसे स्टार्स लगते हैं और कैसे आगे रिलीज होती है ये चीजें और कैसा फील होता है और अब फाइनली जो मैं इस साइड खड़ा हूँ तो बहुत अच्छा फील आ रहा है एंड थैंक यू बिकॉज ऑफ यार एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड थैंक यू मैम फॉर दिस थिंग थैंक यू सो मच टू वन एंड ऑल इट एक्चुअली फील्स रियली स्प्लेंडेड टू बी आउट हियर Yes, we have completed 1 year of Yaar Yaar, which is a one month of Yaar Yaar, which is something. See, time just flies. We completed 1 month of Yaar Yaar, which is something very, 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 very important for us. And Good. Let's give it a round of applause, ladies and gentlemen. The official reveal of Yaar Yaar, the home video. An autograph copy here itself. Why don't you grab it on? We have the cast and crew, we have the director here as well. Get all the autographs on your very own copy of Yaar Yaar, the whole movie. Yeah, you can get the autograph. I'm gonna sign this really huge deal. Come, Shreyas. And also the rest of Thank you.
जब मैं स्कूल में थी और मैं काफ़ी अच्छी घुड़सवारी कर लेती थी, अपने फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड तक कैंटर कर लेती थी, जिस दिन मैंने गैलपिंग ट्राई करी उस दिन मैं इतनी बुरी तरह से गिरी कि मेरा हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गया था। एंड आफ्टर दैट आई नेवर गॉट ऑन टू द हॉर्स। स्कूल टाइम पे मैंने भी, यार स्कूल टाइम में आई वाज इन हॉस्टल, तो आई थिंक हॉस्टल के अंदर में आपको ऐसे काफ़ी से स्पोर्ट्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं करना, सो हॉर्स राइडिंग वाज वन ऑफ देम। सो आई थिंक इकलौता वही टाइम था जब अभी मेरे को ये टाइम देख के याद आ गया दैट आई डन समथिंग लाइक दिस इन माय स्कूल टाइम। आई हैव डन दिस थ्री इयर्स अगो इन एम्बेसी इन बैंगलोर व्हेन आई गॉट टू सी दोस जर्मन हॉर्सेस, इट वाज सो ब्यूटीफुल। आई आल्सो हैड अ टीम फॉर फ्रेडरिक कॉन्सल, अ पोलो टीम इन बैंगलोर इटसेल्फ, व्हिच वी वन मेनी टाइम्स। I have a lovely connection with horses because my father used to be a horse rider when he was young, and when I was young I used to do judo, and whenever I used to go for judo camps I used to always do horse riding up there as well, but now I've stopped, so I'm very happy to come back and see horse rides. Yeah. देखिए मैं और मेरी स्टाफ कास्ट यहाँ यारियाँ प्रमोट करने आए हैं जो कि 10 जनवरी को रिलीज हो रही है, इस फ्राइडे। और क्योंकि यहाँ पे आज इतनी एनर्जी है, इतना एक्साइटमेंट है, इंथुजियाज्म है, वही सब पिक्चर यारियाँ में भी है, तो मैं सब दर्शकों को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सिनेमा घर जाइए और हमारी पिक्चर को हिट बनाइए। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। हो गया ना बाकी खत्म ना, अभी क्या हो गया क्या? मैं कह भी नहीं सकता मैं कितना एक्साइटेड हूँ। मैं इस मूवी का कब से वेट कर रहा हूँ। वी शॉट लास्ट ईयर इन केप टाउन, तब से मुझे वेट है कि ये मूवी कैसी आएगी। आफ्टर सीइंग द प्रोमो हद हो गई है। आफ्टर सीइंग द प्रोमो मुझे लगता है कि कब देख लूँ, कब देख लूँ, कब देख लूँ। आज एक्चुअली ट्रायल था मूवी का, बट आज नहीं हो रहा है, कल हो रहा है मूवी का ट्रायल। मैं एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए और बड़ी एक्साइटमेंट है। अगर मैं एक बार कल भी देख लेता हूँ तो मैं परसों वापस देखूंगा उसको एक और बार, इतना एक्साइटेड हूँ मैं। चीज़ें हैं कि मैं ऐसा दिखता हूँ, ऐसे दिखने का मतलब है मैं थोड़ा अंग्रेज दिखता हूँ। अंग्रेज दिखते दिखते एक प्रॉब्लम होती है कि आप इंडियन नहीं दिखते हैं, मगर उससे बड़ी फ़ायदा होता है कि आप अंग्रेज दिख के भी हिंदी बोलते हैं। जब झांसी की रानी कास्ट हो रहा था तो उनको बहुत से विलन चाहिए थे जो हिंदी बोलें, इंग्लिश वाली हिंदी, जो जैसे हम थम लोगों को मार देगा। तो इस दौरान मैंने ये चीज़ें करके मैं आगे गया और मेरे को एक रोल मिला जिसमें दो गोल्डन टीथ लगाए, मुस्टैच लगाई, साइड लॉक लगाया और गंदा सा एक टाके का निशान दिया और गंदी सी शक्ल बना दी और एक कॉस्ट्यूम पहना के खड़ा कर दिया। अब कॉस्ट्यूम पहना के खड़ा कर दिया, मैंने कहा इस रोल का करूँ क्या। अब इस रोल की आवाज़ मेरे को देनी थी जो मैंने ऐसे दी कुछ, क्वीन ऑफ झांसी, तुम लोगों को मारने के लिए बहुत लोग आए होंगे मगर मैं ही मारूंगा उनको, बिकॉज मार्शल मेक्स हिज ओन डिसीजन। तो मार्शल यहाँ से बड़ा फेमस हुआ। मुझे लगा अरे अच्छी चीज़ है यार, यू नो मैं ऐसा दिखता हूँ, क्यों नहीं और ट्राई मारूँ। मैंने यही चीज़ें करता गया, हिंदी बोलता गया मगर अंग्रेज दिखता रहा, एड्स में किया, हर जगह किया और धीरे 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 चीज़ें होती रही। मैंने झांसी की रानी में
मरता गया और वापस आता गया, मरता गया और वापस आता गया, कभी त्रिशूल, कभी तलवार, कभी गोली, कभी छर्रा, कभी यू नो अलग अलग तरीके से मारा है, मेरे खोपड़े में मारा है, मेरा गला काटा है, मेरी हर जगह से हालत ख़राब कर दी। इतने मेरे पास पिक्चर से मरने के कि मैं मौत को दिखा दूँगा, मौत वापस चली जाएगी, यार ये तो 8 बार पहले ही मर चुका है। नहीं 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 यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम देखोगे तो राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो मुझे करीना ने छोड़ा है, तुम्हें नहीं छोड़ा है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख तुझे क्या करना है, तुझे यारिया में जाना है, तुझे नेगेटिव करना है, तुझे मूवी करनी है, और मूवी सुपर हिट है यार, मैं भी गाने सुनता हूँ, सब सुनते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है, देख प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, वर्कआउट करो, सब खुश रहो यार, राइट। इसके बाद मिमिक्री बहुत पुराना एक्टर्स की होती है, आई वुड लव टू डू अमरीश जी, अमरीश जी बड़े अच्छे हैं, मैं उनको बड़े पसंद करता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, तो उनकी मिमिक्री क्यों नहीं। अरे ओ माथुर, मैं जब भी कोई कोरी तितली देख लेता हूँ ना, मेरे शरीर में सैकड़ों काले कुत्ते भौंकने लगते हैं, उस दिन मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ। ये मेरे लिए बहुत इजी थी। प्राण साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, प्राण साहब, प्राण साहब बड़ी ठहराव से चलते हैं, ऐसे आ रहे बार खोड़ता है, अरे एक बार शेर खान, एक बार शेर खान, एक बार शेर खान को बोला होता कि साले मर जा तो मैं नहीं मर जाता। नाना जी बड़े अच्छे हैं, नाना पाटेकर जी, बड़ी अच्छी आवाज़ निकालता मैं उनकी। ए दुनिया ये देखिए, हिंदू का खून है, मुस्लिम का खून, बता देखो कौन सा खून अलग लगता है, अगर देखो ये खून अलग लगता है तो बता काय को जाता था बोलता हो गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया। आगे हिजड़े ताली बजा दे। चीजें होती गई, और उसके बाद मुझे कुलभूषण जी की आवाज़ बड़ी अच्छी लगी, कुलभूषण जी की आवाज़ बड़ी अच्छी है, बड़े दबा के बोलते हैं वो, चबा कैसे, अरे मरवाओगे क्या, तुम लोगों ने जीना हराम कर दिया है मेरा, अब पास भी हो जाओ। ये करते करते नई आवाज़ सर में अजय देवगन जी की सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी सही है। उनके लिए क्या है कि आपको गर्दन ऐसे झुकानी पड़ती है और ऐसे देखना पड़ता है कैमरे में और बोलना पड़ता है, अबे शाले सपना देख रहे टू, सपने की बात करे टू, अबे शाले एक बात बोल के दिखा था सपना छोड़ देता, जिंदगी छोड़ देता, ऐसे ही था, हम सब न्यू कमर्स थे, मेरी स्टार कास्ट न्यू कमर थी, मैं खुद एक न्यू कमर थी, और हमारे अगेंस्ट वेटरन्स थे, और बहुत टफ था हमारे लिए ये डिसीजन लेना कि हम 10th जनवरी को आए, बट आई थिंक मीडिया ने हमें सपोर्ट किया, ऑडियंस ने हमें सपोर्ट किया, हर जगह से हमें इतना पॉजिटिव रिएक्शन मिला कि आज हम आप सबके सामने यानिया का सुपर सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अभी जैसे मुझे दोपहर तक 5 डेज की कलेक्शन पता चली, तो 5 डेज की कलेक्शन 26 करोड़ 45 लाख हो चुकी है। टू कॉल माय स्टारकास्ट पर्ल फरिया, द वेरी हियर इज ऑलवेज लेट, ओके विनोद भानुशाली, आई नीड यू ऑन स्टेज, दिस इज द एंटायर टीम हु हैज सपोर्टेड यारियां सक्सेस
which was impossible without them, and they have worked day and night. So it's, I think it's more than us. It's their day. They have made us very proud by such a great collection. This film is extremely special to me. As you all know, I've worked in many films, but this film Yaariyan is so special for you know, very emotional reasons. The director of this film, Divya Kumar, is like a little sister for me, and this entire, I would say entire, means from the point of view, from the point that she got ready to shoot this film, I've seen her journey, I've seen her shooting the film in extreme cold weather in Sikkim, in Darjeeling. I've seen her being a mother, being a daughter-in-law, because her mother-in-law was there, being a wife and being a director. And then also, aaj bhi hai pani 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 aur tum bhi sani 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 aa jao ढूंढ रहा था कब मेरे हाथ में माइक आएगा. ओके सर, एक एक लाइन. 2011 में ये मूवी मैंने साइन करी थी, एंड एक्चुअली इस मूवी ने मुझे चुना था, एंड आई फील ब्लेस्ड एंड वेरी थैंकफुल टू माय डायरेक्टर, टू माय प्रोड्यूसर, एंड सिर्फ यहीं पे नहीं, टू ऑल द टीम, हमारे राइटर, टू द डायरेक्शन डिपार्टमेंट नो डाउट, टू एवरी डिपार्टमेंट, डांस डिपार्टमेंट चिराग. कहानी में दम होगा तो आई थिंक म्यूजिक ने ओपनिंग लगाई. जैसे भूषण जी ने मुझे पहले ही कहा था कि पहला दिन मेरा है, फ्राइडे मेरा है, सैटरडे तेरा है, तो आई थिंक फ्राइडे और सैटरडे सेम कलेक्शन आई तो हम इक्वल हो गए. और सो आई थिंक दैट्स द रोक रहा हूँ, बट ये एक आखिरी सवाल था जो मुझे पूछना था बट मैं पूछ नहीं पाया. स्टार्टिंग डेज पे रिव्यूज बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ उन क्रिटिक्स का जिन्होंने मुझे 4 stars दिए, 3.5 stars दिए, और उससे भी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ उन क्रिटिक्स का, उन रिव्यूअर्स का जिन्होंने स्टार्स के फॉर्म पर मुझे 0 दिया, क्योंकि हो सकता है वही 0 मेरी बॉक्स ऑफिस कर. वेल आई थिंक आगे हम लोगों ने लाइक सेट की लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, हमारी भी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि यू नो होपफुली द इंडस्ट्री विल एक्सेप्ट अस द वे ऑडियंस हैज एक्सेप्टेड, और हमें भी अच्छा अच्छा काम करने को मिलेगा और चैलेंजिंग रोल्स मिलेंगे. एंड यू नो आई थिंक बोथ ऑफ अस आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग मोर एंड प्रूविंग आवर सेल्व्स, एंड वो पैशन है तो आई होप हम लोगों को राइट पाथ. नहीं देखिए, मेरा जो काम करने का तरीका है उसमें ये बात,
कर लेती थी, अपने फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड तक कैंटर कर लेती थी। जिस दिन मैंने गैलपिंग ट्राई करी उस दिन मैं इतनी बुरी तरह से गिरी कि मेरा हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गया था। आफ्टर दैट आई नेवर गॉट ऑन। 3 years ago in MBC in Bangalore, when I got to see those German horses, so beautiful. I also had a team for Frederick Constant, a polo team in Bangalore itself, which we have won many races. सामने बहुत कड़ा कंपटीशन था, हम सब न्यू कमर्स थे, मेरी स्टारकास्ट न्यू कमर थी, मैं खुद एक न्यू कमर थी और हमारे अगेंस्ट वेटरन्स थे और बहुत टफ था हमारे लिए ये डिसीजन लेना कि हम 10th जनवरी को आए। बट आई थिंक मीडिया ने हमें सपोर्ट किया, ऑडियंस ने हमें सपोर्ट किया, हर जगह से हमें इतना पॉजिटिव रिएक्शन मिला कि आज हम आप सबके सामने यारिया का सुपर सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अभी जैसे मुझे दोपहर तक 5 days की कलेक्शन पता चली तो 5 days की कलेक्शन 26 crore 45 lakh हो चुकी है। टू कॉल माई स्टारकास्ट द पर्ल फरिया द वेरी हियर इज ऑलवेज लेट। ओके विनोद भानुशाली आई नीड यू ऑन स्टेज। दिस इज द एंटायर टीम हु हैज सपोर्टेड Yaria success, which was impossible without them, and they have worked day and night. So it's, I think it's more than us. It's their day. They have made us very proud by such a great collection. This film is extremely special to me. As you all know, I've worked in many films, but this film Yaria is so special for very emotional reasons. The director of this film, Divya Kumar, is like a little sister for me. And this entire, I would say entire means from the point of view, from the point that she got ready to shoot this film, I've seen her journey. I've seen her shooting the film in extreme cold weather in Sikkim, Darjeeling. I've seen her being a mother, being a daughter-in-law because her mother-in-law was there, being a wife and being a director. And then also Aaj bhi hai pani 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 aur din bhi sani 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 aa jao सिर्फ यहीं पे नहीं, टू ऑल द टीम, हमारे राइटर, टू द डायरेक्शन डिपार्टमेंट नो डाउट, टू एवरी डिपार्टमेंट, डांस डिपार्टमेंट चिराग कहानी में दम होगा। म्यूजिक ने ओपनिंग लगाई, जैसे भूषण जी ने मुझे पहले ही कहा था कि पहला दिन मेरा है, फ्राइडे मेरा है, सैटरडे तेरा है, तो आई थिंक फ्राइडे और सैटरडे सेम कलेक्शन आई तो हम इक्वल हो गए। और
So I think that's the... बट ये एक आखिरी सवाल था जो मुझे पूछना था बट मैं पूछ नहीं पाया. स्टार्टिंग डेज पे रिव्यूज बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ उन क्रिटिक्स का जिन्होंने मुझे 4 स्टार्स दिए, 3.5 स्टार्स दिए, और उससे भी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ उन क्रिटिक्स का, उन रिव्यूअर्स का जिन्होंने स्टार्स के फॉर्म पर मुझे 0 दिया, क्योंकि हो सकता है वही 0 मेरी बॉक्स ऑफिस कर. वेल आई थिंक आगे हम लोगों ने लाइक सेट की लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, हमारी भी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि यू नो होपफुली द इंडस्ट्री विल एक्सेप्ट अस द वे ऑडियंस हैज एक्सेप्टेड, और हमें भी अच्छा अच्छा काम करने को मिलेगा और चैलेंजिंग रोल्स मिलेंगे. एंड यू नो आई थिंक बोथ ऑफ अस आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग मोर एंड प्रूविंग आवर सेल्व्स, एंड वो पैशन है तो आई होप हम लोगों को राइट पाथ. जब शुरुआत बहुत अच्छा जी जी, और सिंस अभी आपने भी जैसे बताया कि दिनेश जी जो उनकी डायरेक्शन एक नया फील्ड था, राइट, क्या आपने कुछ सजेशंस वगैरह इस दिए? नहीं देखिए, मेरा जो काम करने का तरीका है उसमें ये बात, मैं कह भी नहीं सकता मैं कितना एक्साइटेड हूँ. मैं इस मूवी का कब से वेट कर रहा हूँ. वी शॉट लास्ट ईयर इन केप टाउन, तब से मुझे वेट है कि ये मूवी कैसी आएगी. आफ्टर सीइंग द प्रोमो हद हो गई है. आफ्टर सीइंग द प्रोमो मुझे लगता है कि कब देख लूँ, कब देख लूँ, कब देख लूँ. आज एक्चुअली ट्रायल था मूवी का, बट आज नहीं हो रहा है, कल हो रहा है मूवी का ट्रायल. मैं एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए, और बड़ी एक्साइटमेंट है. अगर मैं एक बार कल भी देख लेता हूँ तो मैं परसों वापस देखूंगा उसको एक और बार, इतना एक्साइटेड हूँ मैं. चीज़ें हैं कि मैं ऐसा दिखता हूँ, ऐसे दिखने का मतलब है मैं थोड़ा अंग्रेज दिखता हूँ. अंग्रेज दिखते दिखते एक प्रॉब्लम होती है कि आप इंडियन नहीं दिखते हैं, मगर उससे बड़ी फ़ायदा होता है कि आप अंग्रेज दिख के भी हिंदी बोलते हैं. जब झांसी की रानी कास्ट हो रहा था तो उनको बहुत से विलन चाहिए थे जो हिंदी बोलें, इंग्लिश वाली हिंदी, जो जैसे हम थम लोगों को मार देगा. तो इस दौरान मैंने ये चीज़ें करके मैं आगे गया, और मेरे को एक रोल मिला जिसमें 2 गोल्डन टीथ लगाए, मुस्टैच लगाई, साइड लॉक लगाया, और गंदा सा एक टाके का निशान दिया, और गंदी सी शक्ल बना दी, और एक कॉस्ट्यूम पहना के खड़ा कर दिया. अब कॉस्ट्यूम पहना के खड़ा कर दिया, मैंने कहा इस रोल का करूँ क्या. अब इस रोल की आवाज़ मेरे को देनी थी, जो मैंने ऐसे दी कुछ कि नवजा से तुम लोगों को मारने के लिए बहुत लोग आए होंगे, मगर मैं ही मारूंगा उनको, बिकॉज मार्शल मेक्स हिज ओन डिसीजन. तो मार्शल यहाँ से बड़ा फेमस हुआ. मुझे लगा अरे अच्छी चीज़ है यार, यू नो मैं ऐसा दिखता हूँ, क्यों नहीं और ट्राई मारूँ. मैंने यही चीज़ें करता गया, हिंदी बोलता गया, मगर अंग्रेज दिखता रहा, एड्स में किया, हर जगह किया, और धीरे 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 चीज़ें होती रही. मैंने झांसी की रानी में मरता गया और वापस आता गया, मरता गया और वापस आता गया, कभी त्रिशूल, कभी तलवार, कभी गोली, कभी छर्रा, कभी यू नो अलग अलग तरीके से मारा है, मेरे खोपड़े में मारा है, मेरा गला काटा है, मेरी हर जगह से हालत ख़राब कर दी. इतने मेरे पास पिक्चर से मरने के कि मैं मौत को दिखा दूंगा, मौत वापस चली जाएगी. यार ये तो 8 बार पहले ही मर चुका है. नहीं 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 यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम देखोगे तो राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं. देखो मुझे करीना ने छोड़ा है, तुम्हें नहीं छोड़ा है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देख तुझे क्या करना है, तुझे यारिया में जाना है, तुझे नेगेटिव करना है, तुझे मूवी करनी है, और मूवी सुपर हिट है यार, मैं भी गाने सुनता हूँ, सब सुनते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है. देख प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, वर्कआउट करो, सब खुश रहो यार, राइट. इसके बाद मिमिक्री बहुत पुराना एक्टर्स की होती है. आई वुड लव टू डू अमरीश जी. अमरीश जी बड़े अच्छे हैं, मैं उनको बड़े पसंद करता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, तो उनकी मिमिक्री क्यों नहीं. अरे ओ माथुर, मैं जब भी कोई कोरी तितली देख लेता हूँ ना, मेरे शरीर में सैकड़ों काले कुत्ते भौंकने लगते हैं. उस दिन मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ. ये मेरे लिए बहुत ईजी थी. प्राण साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. प्राण साहब बड़ी ठहराव से चलते हैं, ऐसे आ रहा है बार खोड़ता है. अरे एक बार शेर खान,
एक बार शेर खान, एक बार शेर खान को बोला होता कि साले मर जा तो मैं नहीं मर जाता। नाना जी बड़े अच्छे हैं, नाना पाटेकर जी, बड़ी अच्छी आवाज़ निकालता मैं उनकी। ए दुनिया ये देखिए, हिंदू का खून है, मुस्लिम का खून, बता देखो कौन सा खून अलग लगता है। अगर तेको ये खून अलग लगता है तो बता काय को जाता था बोलता हो गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया। आगे हिजड़े ताली बजा दे। चीजें होती गई। और उसके बाद मुझे कुलभूषण जी की आवाज़ बड़ी अच्छी लगी। कुलभूषण जी की आवाज़ बड़ी अच्छी है, बड़े दबा के बोलते हैं वो, चबा कैसे। अरे मरवाओगे क्या तुम लोगों ने, जीना हराम कर दिया है मेरा, अब पास भी हो जाओ। ये करते करते नई आवाज़ सर में अजय देवगन जी की सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी सही है। उनके लिए क्या है कि आपको गर्दन ऐसे झुकानी पड़ती है और ऐसे देखना पड़ता है कैमरे में और बोलना पड़ता है, अबे शाले सपना देख रे टू, सपने की बात करे टू, अबे शाले एक बात बोल के दिखा था, सपना छोड़ देता, जिंदगी छोड़ देता, ऐसे ही। जब मैं स्कूल में थी और मैं काफ़ी अच्छी घुड़सवारी कर लेती थी, अपने फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड तक कैंटर कर लेती थी, जिस दिन मैंने गैलपिंग ट्राई करी उस दिन मैं इतनी बुरी तरह से गिरी कि मेरा हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गया था, एंड आफ्टर दैट आई नेवर गॉट ऑन टू द हॉर्स। स्कूल टाइम पे मैंने भी, यार स्कूल टाइम में आई वाज इन हॉस्टल, तो आई थिंक हॉस्टल के अंदर में आपको ऐसे काफ़ी से स्पोर्ट्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं करना, सो हॉर्स राइडिंग वाज वन ऑफ देम। सो आई थिंक इकलौता वही टाइम था जब अभी मेरे को ये टाइम देख के याद आ गया, दैट आई डन समथिंग लाइक दिस इन माय स्कूल टाइम। आई हैव डन दिस फॉर 3 इयर्स अगो इन एम्बेसी इन बैंगलोर, व्हेन आई गॉट टू सी दोस जर्मन हॉर्सेस, इट वाज सो ब्यूटीफुल। आई आल्सो हैड अ टीम फॉर फ्रेडरिक कॉन्सुलर पोलो टीम इन बैंगलोर इटसेल्फ, व्हिच वी वन मेनी रेसेस। I have a lovely connection with horses because my father used to be a horse rider when he was young, and when I was young I used to do judo, and whenever I used to go for judo camps I used to always do horse riding up there as well, but now I've stopped, so I'm very happy to come back and see horse rides. Yeah. देखिए मैं और मेरी स्टाफ का यहाँ यारियाँ प्रमोट करने आए हैं जो कि 10 जनवरी को रिलीज हो रही है, इस फ्राइडे, और क्योंकि यहाँ पे आज इतनी एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, इंथुजियाज्म है, वही सब पिक्चर यारियाँ में भी है, तो मैं सब दर्शकों को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सिनेमा घर जाइए और हमारी पिक्चर को हिट बनाइए, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। हो गया ना, बाकी खत्म ना, अभी क्या हो गया क्या।
Video of Yaar Yaar the movie, and yes, it's only here at Planet M where we're going to do it, and you're going to enjoy it here as well. For us today, I don't think I can really walk through the journey because it was a very, very tough journey for me, a journey which took me almost 4 years to get this film and to you all, and I'm really thankful that today everybody appreciated the film and it's become such a big hit. And especially because January is a very jinxed month, you know, in the last 14 years, no film in Jan has done, has made it to the hit category. And we made it in spite of the cold wave in the north, and youth has really liked it. And I think my cast is famous on its own now, and they don't need any introduction from me, and they would rather speak about themselves on their own. Good evening, everyone. It feels so good, 10th of January, aaj, shayad 12th. 11th एक महीना हो गया पूरा हमारी मूवी रिलीज हुई थी अभी एक महीना पहले ही, एंड इट्स सो गुड, इट फील्स सो गुड फ्रॉम इनसाइड कि अभी हमारी मूवी हिट हुई और आज फाइनली डीवीडीज भी बाहर आ रही है. आई थिंक माय पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट कि कब डीवीडीज बाहर आएंगे और हम कब सबसे ज़्यादा डीवीडीज खरीद सकते हैं. सो आई थिंक इट्स एन ऑसम मोमेंट फ्रॉम इनसाइड. आई रियली फील हैप्पी एंड आई एम सो ब्लेस्ड. ये कहना चाहूँगा कि बचपन से प्लेनेट एम पे जब भी डीवीडीज वगैरह रिलीज होती थी तो मैं यहाँ पे बैठ के देखता था जाके कि कैसे स्टार्स लगते हैं और कैसे आगे रिलीज होती है ये चीज़ें और कैसा फील होता है. और अब फाइनली जो मैं इस साइड खड़ा हूँ तो बहुत अच्छा फील आ रहा है. एंड थैंक यू बिकॉज ऑफ यारी एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल. एंड थैंक यू मैम फॉर दिस थिंग. थैंक यू सो मच टू वन एंड ऑल. इट एक्चुअली फील्स रियली स्प्लेंडेड टू बी आउट हियर. Yes, we have completed 1 year of Yaariya, which is a one month of Yaariya, which is something. See, time is flies. We completed 1 month of Yaariya, which is something very, 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 very important for us. And Roland, let's give it a round of applause, ladies and gentlemen. The official reveal of Yaariya, the home video. An autographed copy yourself. Why don't you grab it on behalf of the cast and crew? We have the director here as well. Get all the autographs on your very own copy of Yaar Yaar, the whole movie. Yeah, let's see if you can get the autograph. I'm gonna sign this really huge DVD. Come, Shreyas. And also the rest. मैं कह भी नहीं सकता मैं कितना एक्साइटेड हूँ. मैं इस मूवी का कब से वेट कर रहा हूँ. वी शॉट लास्ट ईयर इन केप टाउन. तब से मुझे वेट है कि ये मूवी कैसी आएगी. आफ्टर सीइंग द प्रोमो हद हो गई है. आफ्टर सीइंग द प्रोमो मुझे लगता है कि कब देख लूँ कब देख लूँ कब देख लूँ.
आज एक्चुअली ट्रायल था मूवी का, बट आज नहीं हो रहा है, कल हो रहा है मूवी का ट्रायल. मैं एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए, और बड़ी एक्साइटमेंट है. अगर मैं एक बार कल भी देख लेता हूँ तो मैं परसों वापस देखूंगा उसको एक और बार, इतना एक्साइटेड हूँ मैं. चीज़ें हैं कि मैं ऐसा दिखता हूँ, ऐसे दिखने का मतलब है मैं थोड़ा अंग्रेज दिखता हूँ. अंग्रेज़ दिखते दिखते एक प्रॉब्लम होती है कि आप इंडियन नहीं दिखते हैं, मगर उससे बड़ी फ़ायदा होता है कि आप अंग्रेज़ दिख के भी हिंदी बोलते हैं. जब झांसी की रानी कास्ट हो रहा था तो उनको बहुत से विलन चाहिए थे जो हिंदी बोलें, इंग्लिश वाली हिंदी, जो जैसे हम थम लोगों को मार देगा. तो इस दौरान मैंने ये चीज़ें करके मैं आगे गया और मेरे को एक रोल मिला जिसमें दो गोल्डन टीथ लगाए, मुस्टैच लगाई, साइड लॉक लगाया और गंदा सा एक टाके का निशान दिया और गंदी सी शक्ल बना दी और एक कॉस्ट्यूम पहना के खड़ा कर दिया. अब कॉस्ट्यूम पहना के खड़ा कर दिया, मैंने कहा इस रोल का करूँ क्या. अब इस रोल की आवाज़ मेरे को देनी थी, जो मैंने ऐसे दी कुछ कि नवजांसी, तुम लोगों को मारने के लिए बहुत लोग आए होंगे मगर मैं ही मारूंगा उनको, बिकॉज मार्शल मेक्स हिज ओन डिसीजन. तो मार्शल यहाँ से बड़ा फेमस हुआ. मुझे लगा अरे अच्छी चीज़ है यार, यू नो मैं ऐसा दिखता हूँ, क्यों नहीं और ट्राई मारूँ. मैंने यही चीज़ें करता गया, हिंदी बोलता गया मगर अंग्रेज़ दिखता रहा, एड्स में किया, हर जगह किया, और धीरे 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 चीज़ें होती रही. मैंने झांसी की रानी में मरता गया और वापस आता गया, मरता गया और वापस आता गया, कभी त्रिशूल, कभी तलवार, कभी गोली, कभी छर्रा, कभी यू नो अलग अलग तरीके से मारा है, मेरे खोपड़े में मारा है, मेरा गला काटा है, मेरी हर जगह से हालत ख़राब कर दी. इतने मेरे पास पिक्चर से मरने के कि मैं मौत को दिखा दूँ, मौत वापस चली जाएगी, यार ये तो 8 बार पहले ही मर चुका है. नहीं 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 यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम देखोगे तो राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं. देखो मुझे करीना ने छोड़ा है, तुम्हें नहीं छोड़ा है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देख तुझे क्या करना है, तुझे यारिया में जाना है, तुझे नेगेटिव करना है, तुझे मूवी करनी है, और मूवी सुपर हिट है यार, मैं भी गाने सुनता हूँ, सब सुनते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है. देख प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, वर्कआउट करो, सब खुश रहो यार, राइट. इसके बाद मिमिक्री बहुत पुराना एक्टर्स की होती है. आई वुड लव टू डू अमरीश जी, अमरीश जी बड़े अच्छे हैं, मैं उनको बड़े पसंद करता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, तो उनकी मिमिक्री क्यों नहीं. अरे ओ माथुर, मैं जब भी कोई कोरी तितली देख लेता हूं ना, मेरे शरीर में सैकड़ों काले कुत्ते भौंकने लगते हैं, उस दिन मैं ब्लैक डॉग पीता हूं. ये मेरे लिए बहुत इजी थी. प्राण साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, प्राण साहब बड़ी ठहराव से चलते हैं, ऐसे अरे बार खोड़ता है, अरे एक बार शेर खान, एक बार शेर खान, एक बार शेर खान को बोला होता कि साले मर जा तो मैं नहीं मर जाता. नाना जी बड़े अच्छे हैं, नाना पाटेकर जी, बड़ी अच्छी आवाज निकालता मैं उनकी. ए दुनिया ये देखिए, हिंदू का खून है, मुस्लिम का खून, बता देखो कौन सा खून अलग लगता है. अगर देखो ये खून अलग लगता है तो बता काय को जाता था बोलता हो गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया. आगे हिजड़े ताली बजा दे. चीज़ें होती गई और उसके बाद मुझे कुलभूषण जी की आवाज़ बड़ी अच्छी लगी. कुलभूषण जी की आवाज़ बड़ी अच्छी है, बड़े दबा के बोलते हैं वो, चबा कैसे. अरे मरवाओगे क्या, तुम लोगों ने जीना हराम कर दिया है मेरा, अब पास भी हो जाओ. ये करते करते नई आवाज़ सर में अजय देवगन जी की सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी सही है. उनके लिए क्या है कि आपको गर्दन ऐसे झुकानी पड़ती है और ऐसे देखना पड़ता है कैमरे में और बोलना पड़ता है, हबे शाले सपना देख रहे टू, सपने की बात करे टू, हबे शाले एक बात बोल के दिखा था सपना छोड़ देता, जिंदगी छोड़ देता, ऐसे ही. ब्लाइंडर्स है सर, हाँ जी सर जरूर. बराबर एंगल मिल जाएगा,
मैं ना नीचे खड़ी हूँ। पेंटर को बुलाओ यार, डायरेक्टर को। ऐसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे सामने बहुत कड़ा कंपटीशन था, हम सब न्यू कमर्स थे, मेरी स्टारकास्ट न्यू कमर थी, मैं खुद एक न्यू कमर थी और हमारे अगेंस्ट वेटरन्स थे और बहुत टफ था हमारे लिए ये डिसीजन लेना कि हम 10th जनवरी को आए। बट आई थिंक मीडिया ने हमें सपोर्ट किया, ऑडियंस ने हमें सपोर्ट किया, हर जगह से हमें इतना पॉजिटिव रिएक्शन मिला कि आज हम आप सबके सामने यानिया का सुपर सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अभी जैसे मुझे दोपहर तक 5 days की कलेक्शन पता चली, तो 5 days की कलेक्शन 26 crore 45 lakh हो चुकी है। टू कॉल माय स्टारकास्ट पर्ल फरिया, द वेरी हियर इज ऑलवेज लेट। ओके विनोद भानुशाली, आई नीड यू ऑन स्टेज। This is the entire team who has supported Yaariyan's success, which was impossible without them, and they have worked day and night. So I think it's more than us; it's their day. They have made us very proud by such a great collection. This film is extremely special to me. As you all know, I've worked in many films, but this film Yaariyan is so special for very emotional reasons. The director of this film, Divya Kumar, is like a little sister for me. And this entire, I would say entire means from the point of view, from the point that she got ready to shoot this film, I've seen her journey, I've seen her shooting the film in extreme cold weather, in Sikkim, in Darjeeling. I've seen her being a mother, being a daughter-in-law because her mother-in-law was there, being a wife and being a director. And then also, मेरे हाथ में माइक आएगा। ओके सर, एक एक लाइन। 2011 में ये मूवी मैंने साइन करी थी एंड एक्चुअली इस मूवी ने मुझे चुना था एंड आई फील ब्लेस्ड एंड वेरी थैंकफुल टू माय डायरेक्टर, टू माय प्रोड्यूसर एंड सिर्फ यहीं पे नहीं, टू ऑल द टीम, हमारे राइटर, टू द डायरेक्शन डिपार्टमेंट नो डाउट, टू एवरी डिपार्टमेंट, डांस डिपार्टमेंट चिराग, कहानी में दम होगा। तो आई थिंक म्यूजिक ने ओपनिंग लगाई, जैसे भूषण जी ने मुझे पहले ही कहा था कि पहला दिन मेरा है, फ्राइडे मेरा है, सैटरडे तेरा है, तो आई थिंक फ्राइडे और सैटरडे सेम कलेक्शन आई तो हम इक्वल हो गए। और सो आई थिंक दैट्स द रोक रहा हूँ, बट ये एक आखिरी सवाल था जो मुझे पूछना था बट मैं पूछ नहीं पाया। स्टार्टिंग डेज पे रिव्यूज बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ उन क्रिटिक्स का जिन्होंने मुझे 4 stars दिए, 3.5 stars दिए, और उससे भी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ उन क्रिटिक्स का, उन रिव्यूअर्स का जिन्होंने स्टार्स के फॉर्म पर मुझे 0 दिया, क्योंकि हो सकता है वही 0 मेरी बॉक्स ऑफिस कर। किस तरीके से आगे देखते हैं?
वेल आई थिंक आगे हम लोगों ने लाइक यू सेड कि लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, हमारी भी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि यू नो होपफुली द इंडस्ट्री विल एक्सेप्ट अस द वे ऑडियंस हैज एक्सेप्टेड, और हमें भी अच्छा अच्छा काम करने को मिलेगा और चैलेंजिंग रोल्स मिलेंगे. एंड यू नो आई थिंक बोथ ऑफ अस आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग मोर एंड प्रूविंग आवर सेल्व्स, एंड वो पैशन है तो आई होप हम लोगों को राइट पाथ. आई थिंक जब शुरुआत बहुत अच्छा जी जी, और सिंस अभी आपने भी जैसे बताया कि जी जो उनकी डायरेक्शन एक नया फील्ड था, क्या आपने कुछ सजेशंस वगैरह इस नहीं देखिए मेरा जो काम करने का तरीका है उसमें ये बात था. हम सब न्यू कमर्स थे, मेरी स्टार कास्ट न्यू कमर थी, मैं खुद एक न्यू कमर थी और हमारे अगेंस्ट वेटरन्स थे, और बहुत टफ था हमारे लिए ये डिसीजन लेना कि हम 10th जनवरी को आए. बट आई थिंक मीडिया ने हमें सपोर्ट किया, ऑडियंस ने हमें सपोर्ट किया, हर जगह से हमें इतना पॉजिटिव रिएक्शन मिला कि आज हम आप सबके सामने यानिया का सुपर सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं. और अभी जैसे मुझे दोपहर तक 5 डेज की कलेक्शन पता चली, तो 5 डेज की कलेक्शन 26 करोड़ 45 लाख हो चुकी है. टू कॉल माय स्टारकास्ट पर्ल फरिया द वेरी हियर इज ऑलवेज लेट. ओके विनोद भानुशाली आई नीड यू ऑन स्टेज. दिस इज द एंटायर टीम हु हैज सपोर्टेड Yaariyan success, which was impossible without them, and they have worked day and night. So it's, I think it's more than us. It's their day. They have made us very proud by such a great collection. This film is extremely special to me. As you all know, I've worked in many films, but this film Yaariyan is so special for you know. Very emotional reasons. The director of this film, Divya Kumar, is like a little sister for me. And this entire, I would say entire means from the point of view, from the point that she got ready to shoot this film, I've seen her journey, I've seen her shooting the film in extreme cold weather in Sikkim, Darjeeling. I've seen her being a mother, being a daughter-in-law because her mother-in-law was there, being a wife and being a director. And then also aaj bhoo hai pani 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 aur tum bhi sani 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 aa jao ढूंढ रहा था कब मेरे हाथ में माइक आएगा. ओके सर, एक एक लाइन. 2011 में ये मूवी मैंने साइन करी थी, एंड एक्चुअली इस मूवी ने मुझे चुना था, एंड आई फील ब्लेस्ड एंड वेरी थैंकफुल टू माय डायरेक्टर, टू माय प्रोड्यूसर, एंड सिर्फ यहीं पे नहीं, टू ऑल द टीम, हमारे राइटर, टू द डायरेक्शन डिपार्टमेंट नो डाउट, टू एवरी डिपार्टमेंट, डांस डिपार्टमेंट चिराग,
कहानी में दम होगा. तो आई थिंक म्यूजिक ने ओपनिंग लगाई. जैसे भूषण जी ने मुझे पहले ही कहा था कि पहला दिन मेरा है, फ्राइडे मेरा है, सैटरडे तेरा है. तो आई थिंक फ्राइडे और सैटरडे सेम कलेक्शन आई तो हम इक्वल हो गए. और सो आई थिंक दैट्स द रोक रहा हूँ. बट ये एक आखिरी सवाल था जो मुझे पूछना था बट मैं पूछ नहीं पाया. स्टार्टिंग डेज पे रिव्यूज बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ उन क्रिटिक्स का जिन्होंने मुझे 4 stars दिए, 3.5 stars दिए. और उससे भी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ उन क्रिटिक्स का, उन रिव्यूअर्स का जिन्होंने स्टार्स के फॉर्म पर मुझे 0 दिया. क्योंकि हो सकता है वही 0 मेरी बॉक्स ऑफिस कर. वेल आई थिंक आगे हम लोगों ने लाइक यू सेड कि लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, हमारी भी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि यू नो होपफुली द इंडस्ट्री विल एक्सेप्ट अस द वे ऑडियंस हैज एक्सेप्टेड. और हमें भी अच्छा अच्छा काम करने को मिलेगा और चैलेंजिंग रोल्स मिलेंगे. एंड यू नो आई थिंक बोथ ऑफ अस आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग मोर एंड प्रूविंग आवर सेल्व्स. एंड वो पैशन है तो आई होप हम लोगों को राइट पाथ. नहीं देखिए मेरा जो काम करने का तरीका है उसमें ये बात of Yaariya the movie. And yes, it's only here at Planet M where we're going to do it, and you're going to enjoy it here as well. For us today, I don't think I can really walk through the journey because it was a very, very tough journey for me. A journey which took me almost 4 years to get this film and to you all. And I'm really thankful that today everybody appreciated the film and it's become such a big hit. And especially because January is a very jinxed month. You know, in the last 14 years, no film in Jan has made it to the hit category. And we made it in spite of the cold wave in the north, and youth has really liked it. And I think my cast is famous on its own now, and they don't need any introduction from me, and they would rather speak about themselves on their own. Good evening, everyone. It feels so good. 10th of January, aaj shayad 12th hai. 11th एक महीना हो गया पूरा हमारी मूवी रिलीज हुई थी अभी एक महीना पहले. एंड इट्स सो गुड, इट फील्स सो गुड फ्रॉम इनसाइड कि अभी हमारी मूवी हिट हुई और आज फाइनली डीवीडीज भी बाहर आ रही है. आई थिंक माय पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट कि कब डीवीडीज बाहर आएंगे और हम कब सबसे ज़्यादा डीवीडीज खरीद सकते हैं. सो आई थिंक इट्स एन ऑसम मोमेंट फ्रॉम इनसाइड. आई रियली फील हैप्पी एंड आई एम सो ब्लेस्ड. ये कहना चाहूँगा कि बचपन से प्लेनेट एम पे जब भी डीवीडीज वगैरह रिलीज होती थी तो मैं यहाँ पे बैठ के देखता था जाके कि कैसे स्टार्स लगते हैं और कैसे आगे रिलीज होती है ये चीज़ें और कैसा फील होता है. और अब फाइनली जो मैं इस साइड खड़ा हूँ तो बहुत अच्छा फील आ रहा है. एंड थैंक यू बिकॉज ऑफ यारियन एवरीथिंग इज पॉसिबल. एंड थैंक यू मैम फॉर दिस थिंग. थैंक यू सो मच टू वन एंड ऑल. इट एक्चुअली फील्स रियली स्प्लेंडिड टू बी आउट हियर.
Yes, we have completed 1 year of Yaariya, which is a one month of Yaariya, which is something. See, time is flying. We completed 1 month of Yaariya, which is something very important for us. And Rohan, let's give it a round of applause, ladies and gentlemen. The official reveal of Yaariya, the home video. An autograph copy here itself. Why don't you grab it on? We have the cast and crew, we have the director here as well. Get all the autographs on your very own copy of Yaariya, the whole movie. Yeah, you can get the autograph. I'm gonna sign this really huge deal. Come, Shreyas. And also the rest of Oh, baby, I'm